हेलो गाइस वेलकम टू स्टडी मास्टर दिस इज़ द सीरीज़ ऑफ़ इंडियन पॉलिटी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक हमारे संविधान में पार्ट थर्टीन में क्या है आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू से लेकर थ्री सिक्सटी तक जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो हमारे एमरजेंसी से डील करते हैं अब ये जितनी भी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं ये क्या कर रहे हैं हमारी सेंटर गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं कि इन फ्यूचर केसेस कभी भी कोई अब सिचुएशन हो कोई एक्स्ट्रा सिचुएशन हो तो उसमें ये क्या है अपना काम इफ़ेक्टिवली कर सकें अब इस इनकॉर्पोरेशन इन प्रोविजंस की इनकॉर्पोरेशन का रीज़न क्या था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाले गए ये प्रोविजंस ताकि क्या हो सके हमारी जो कंट्री है उसकी सिक्योरिटी इंटीग्रिटी यूनिटी सॉवरेंटी को क्या कर सके हम प्रोटेक्ट कर सके अपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को हम प्रोटेक्ट कर सके इसीलिए हमारे संविधान में ये एमरजेंसी प्रोविज़न का प्रावधान रखा गया अब जब भी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज़ होती है इमरजेंसी की सिचुएशन कंट्री में आती है तो हमारे संविधान में क्या है जो हमारे कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली क्या है यूनिटरी वन में कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी अमेंडमेंट को लाए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बिना किसी अमेंडमेंट एक्ट को लाए हम क्या कर सकते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है इमरजेंसी की सिचुएशन में इट मीन्स कि जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट है वो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाएगी और जितना भी कंट्रोल है स्टेट्स के ऊपर या उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है वो ऑटोमेटिकली किसके हाथ में जाएगा हमारे सेंटर गवर्नमेंट के हाथ में ये एक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही यूनिक फीचर है कि अगर तो नॉर्मल टाइम्स हो नॉर्मल सिचुएशन हो तो जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है एक फेडरल स्ट्रक्चर की तरह काम करता है जिसमें स्टेट्स की अपनी अलग पावर है यूनियन की अपनी अलग पावर है बट इन केस ऑफ इमरजेंसी वो ऑटोमेटिकली फेडरल स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी स्ट्रक्चर में फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में खड़े होकर ये बोला कि जितने भी वर्ल्ड में फेडरल सिस्टम से कंट्री हैं जिसमें फेडरल सिस्टम है चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो वहाँ पे क्या है कि फेडरलिज्म का टाइट मोल्ड है मतलब उनकी स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन में वो हमेशा क्या रहेंगे फेडरल ही रहेंगे उनकी स्टेट्स कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो यूनियन से अलग हो रही है और वो यूनिट्री फॉर्म में कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे कहते दूसरी तरफ जो हमारे इंडिया का संविधान है वो क्या है वो फ्लेक्सिबल है इट मीन्स वो यूनिटरी भी काम कर रहा है और वो फेडरल स्ट्रक्चर से भी काम कर रहा है जैसे हमारे टाइम की हमारे सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होगी वो वैसा ही फीचर अडॉप्ट कर लेगा नॉर्मल टाइम्स में वो फेडरल सिस्टम की तरह काम करेगा और एमरजेंसी के टाइम में वो यूनिटरी uh, सिस्टम की तरह काम किया करेगा ऐसा हमने अपने इंडिया का क्या है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है फिर हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कितने तरह की एमरजेंसीज बताई गई हैं पहली एमरजेंसी है हमारी नेशनल इमरजेंसी ये इमरजेंसी कब लगती है जब कोई वॉर की सिचुएशन हो कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है कोई आर्म्ड रिबेलियन हो रही है अंडर आर्टिकल 352 इसको नाम दिया गया है नेशनल इमरजेंसी अब इस तरह की इमरजेंसी को लगाने के लिए हम क्या करेंगे एक प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी करेंगे इट मीन्स हम डिक्लेयर करते हैं कि हम क्या है देश में नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं अब दूसरी टाइप की जो इमरजेंसी है वो किस वजह से लग सकती है अगर हमारी किसी भी स्टेट में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो रही है अपना काम करने के लिए तो उस केस में वहाँ पे हम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 356 अब इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है जैसे कि स्टेट इमरजेंसी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो गई फिर थर्ड हमारी इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी ये इमरजेंसी कब लगाई जाती है अगर हमारे देश में हमारे इंडिया में कोई ऐसी सिचुएशन अराइज़ होती है जहाँ पे हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हमारे क्रेडिट को क्या है खतरा हो रहा है तो उस केस में हम फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी फिर हम बात करेंगे हमारे नेशनल इमरजेंसी की कि किस किस बेसिस पे किन ग्राउंड्स पे हम अपनी नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं इस आर्टिकल में वो कह रहे हैं अगर हमारे इंडिया के या फिर इंडिया के किसी हिस्से में कोई सिक्योरिटी का इशू हो रहा है ठीक है अगर हमें लग रहा है कि हमारे इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में है किस वजह से कोई वॉर होने वाली है कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होने वाला है या फिर आर्म्ड रिबेलियन होने वाली है उस केस में क्या है हम नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू फिर ये आर्टिकल आगे क्या कह रहा है कह रहा है प्रेजिडेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है कोई वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन होने से पहले ये चीजें अभी तक हुई नहीं है इससे पहले ही वो क्या है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है किस केस में अगर उसको लग रहा है कि क्या है कोई भी खतरा कभी भी आ सकता है कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कभी भी अराइज हो सकती है तो वो पहले ही इमरजेंसी घोषित कर देगा ये पावर हमारी प्रेसिडेंट के पास है अब प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है कि वो जितनी भी ग्राउंड्स हैं जिस बेसिस पे हम नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं चाहे वॉर हो एक्सटर्नल एग्रेशन हो आर्म्ड रिबेलियन हो कोई एमनेंट डेंजर उसको लग रहा है वो क्या है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोक्लेमेशन लगा सकता है डिफरेंट ग्राउंड्स के लिए डिफरेंट प्रोक्लेमेशन लगा सकता है चाहे वो प्रोक्लेमेशन क्या है उसके द्वारा पहले ही इशू कर दिया गया हो ठीक है या फिर कोई प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी ऑपरेशन में हो रहा है ये वाला प्रोविजन कब ऐड किया गया था ये किया गया था हमारा थर्टी एथ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी फाइव फिर हम देखते हैं अगर कोई भी नेशनल इमरजेंसी किस बेसिस पे लग रही है हमारी वॉर या फिर हमारी एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लग रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी जैसे कि सपोज़ अगर कल की तारीख में चाइना लद्दाख के अंदर उसकी बाउंड्री में काफ़ी अंदर तक घुस आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा एक्सटर्नल एग्रेशन और जब भी कोई इमरजेंसी इस बेसिस पे हो रही है किस बेसिस पे हमारे आम रिबेलियन की वजह से किसी भी स्टेट के पार्ट में या फिर कंट्री के पार्ट में क्या हो रहा है लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और वो रिबेल कर रहे हैं कंट्री के साथ तो उस केस में क्या बोलेंगे उसको इंटरनल इमरजेंसी अब जो ये प्रोक्ामेशन है नेशनल इमरजेंसी का मतलब ये डिक्लेरेशन है कि हम इमरजेंसी लगा रहे हैं ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है या तो पूरी कंट्री में लगा सकते हैं या फिर हम किसी कंट्री के सिर्फ एक पार्ट में भी लगा सकते हैं अभी कौन से एक्ट में ये बात कही गई थी ये कहा गया था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ने ये पावर दी थी प्रेजिडेंट को कि वो नेशनल इमरजेंसी के ऑपरेशन को क्या है लिमिट कर सकता है किसी एक स्पेसिफाइड पार्ट में कि इट मींस प्रेसिडेंट के पास पावर है वो कह सकता है कि आप पूरी कंट्री की बजाय उसी एक पार्ट में क्या है नेशनल इमरजेंसी लगाइए अब हमारे संविधान में ओरिजिनली जो इंटरनल डिस्टरबेंस है वो वाला वर्ड मेंशन था जो हमारा थर्ड ग्राउंड बना हमारी नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन का बट ये जो वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस ये क्या है बहुत ज़्यादा वेग और बहुत ज़्यादा वाइड था इसीलिए फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा क्या इमरजेंसी नहीं लगा सकते जैसा कि 1975 में हुआ था कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम जो कि इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर अब वो नहीं लग सकती क्योंकि उसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है आर्म्ड रिबेलियन उसको सबस्टिट्यूट कर दिया गया है आर्म रिबेलियन के साथ फिर यह आर्टिकल बात कर रहा है कि प्रेजिडेंट के पास जो पावर है नेशनल इमरजेंसी को घोषित करने की वो कब कर सकता है वो तभी कर सकता है जब एक कैबिनेट क्या है उसको एक रिटर्न रिकमेंडेशन दी दे कि क्या है नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है इट मीन्स एमरजेंसी तभी घोषित हो सकती है जब क्या है कैबिनेट उनको ये क्या करे रिकमेंडेशन सिर्फ और सिर्फ प्रेजिडेंट के एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेजिडेंट नेशनल एमरजेंसी घोषित नहीं कर सकता जैसा कि हमने देखा था 1975 की इमरजेंसी में उस समय क्या हुआ था उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे श्रीमती इंदिरा गांधी उन्होंने क्या किया उन्होंने प्रेसिडेंट को एडवाइस की कि आप एक प्रोक्लेमेशन लाइए और इमरजेंसी घोषित कर दीजिए बिना अपनी कैबिनेट के, के कंसल्ट के साथ उनसे कोई डिस्कशन नहीं हुआ कैबिनेट के साथ प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट इमरजेंसी घोषित करने के लिए एडवाइस कर दिया किसको हमारे प्रेसिडेंट को और इमरजेंसी लग गई जो पूरी कैबिनेट थी उनको बाद में पता चला कि एमरजेंसी क्या है डिक्लेयर हो चुकी है इट मीन्स ये क्या हो गया ये फेट अकम्प्लाई हो गया मीन्स कि पहले एमरजेंसी घोषित हो गई उसके बाद कैबिनेट को पता चला अब इस चीज़ को सेफ गार्ड करने के लिए या इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए कि इन फ्यूचर केस फ्यूचर के टाइम में कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी ना बने जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर खुद से ही ये डिसीजन ले ले बिना अपनी कैबिनेट की मर्जी से

जिसने ये कहा कि जो नेशनल इमरजेंसी है ना वो किसी भी तरह के जुडिशियल रिव्यू से क्या है इम्यून है मतलब नेशनल इमरजेंसी के ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता बट जो ये प्रोविजन था ये डिलीट कर दिया गया किसके द्वारा बाय फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी एट फिर नाइनटीन एटी में जो मिनरवा मिल्स केस हुआ उसमें भी दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई नेशनल इमरजेंसी का प्रोकलामेशन उसकी डिक्लेरेशन क्या है कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है किस बेसिस पे अगर वो रीज़न एमरजेंसी लगाने का क्या है एक मालाफाइड है ठीक है उस अगर एमरजेंसी uh, लगाई गई है किसी ऐसे फैक्ट पे जो कि इरेलीवेंट है बेबुनियाद है उस केस में क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस नेशनल एमरजेंसी को क्या कर सकती है वो वॉइड कर सकती है इट मीन्स अगर आज की डेट में इमरजेंसी लगती है कोई बिना बात के कोई इलेवेंट रीजन की वजह से इमरजेंसी लगती है तो उसके ऊपर क्या है हम जुडिशियल पटिशन डाली जा सकती है फिर हम बात करेंगे हमारे पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन की अब जो भी एमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है वो क्या होना चाहिए कौन उसको अप्रूव करेगा हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा भी और लोकसभा भी उसको अप्रूव करेंगे और कब क्या टाइम ड्यूरेशन होगा कि जब वो प्रोक्लमेशन इशू हुआ है उसके विद इन वन मंथ इन दोनों हाउसेस को पार्लियामेंट के उसको अप्रूव करना पड़ेगा ओरिजिनली ये जो पीरियड है टाइम पीरियड है अप्रूवल का पार्लियामेंट का ये क्या था टू मंथ्स का था बट इसको कम करके वन मंथ कर दिया गया किसके द्वारा बाय फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी एट के तहत फिर वो कह रहा है कि अगर एमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन ऐसे टाइम पे इशू हो रहा है जब क्या है लोकसभा हमारी डिजोल्व हो रही है ठीक है डिजोल्व या तो हो चुकी है या फिर लोकसभा का डिजोल्यूशन हो रहा है, है? और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन मंथ विदाउट अप्रूविंग प्रोग्लामेशन इट मीन्स उस वन मंथ के पीरियड के अंदर लोकसभा ने उस प्रोक्लामेशन को अप्रूवल देनी थी बट बिना अप्रूवल दिए ही क्या हो, हो गए लोकसभा डिजोल्व हो गई तो उस केस में क्या होगा कि क्या होगा जब तक जब नई लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी उसके रिकॉन्स्टिट्यूशन के तीस दिनों के अंदर अंदर उस नई लोकसभा को क्या करना होगा उस प्रोक्लामेशन को उस प्रोक्लामेशन के ऊपर डिसीजन देना होगा कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं बट साथ ही साथ उसमें ये चीज भी कही गई है जो ये पीरियड है थर्टी डेज का उसमें क्या होना चाहिए राज्यसभा वो है उस मेन टाइम में उसको अप्रूव कर देनी चाहिए मींस राज्यसभा के पास वो क्या है प्रोक्लमेशन पड़ा रहेगा क्योंकि जो हमारी राज्यसभा है वो क्या है एक परमानेंट है वो परमानेंट बॉडी है वो कभी डिजोल्व नहीं होती ठीक है इसीलिए क्या है ये प्रोक्लमेशन उस टाइम पे राज्यसभा के पास रहेगा अप्रूवल के लिए फिर जब हमारी न्यू लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होकर बनेगी तो उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन के विद इन थर्टी डेज नई लोकसभा को ये डिसीजन लेना है कि ये प्रोक्लमेशन एमरजेंसी का जो प्रोक्लमेशन है वो हमें पास करना है या फिर नहीं करना है अब अगर क्या है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट मीन्स राज्यसभा भी और लोकसभा भी इस एमरजेंसी के प्रोक्लमेशन को अप्रूव कर देते हैं तो हमारी एमरजेंसी कितने टाइम पीरियड के लिए लगेगी वो लगेगी सिक्स मंथ के लिए वो कंटिन्यू रहेगी फिर क्या है हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं इन डेफिनाइट पीरियड तक जब मर्जी तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बट क्या शर्त है कि हमें पार्लियामेंट से हर छः महीने के बाद इसके ऊपर अप्रूवल लेनी पड़ेगी हर छः महीने के बाद पार्लियामेंट इसको आगे एक्सटेंड कर सकती है छः महीने के लिए अब ये जो प्रोविज़न था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर आई उसको एक्सटेंड करने की वो कब ऐड किया गया था वो किया गया था फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी एट के तहत अब इस एक्ट से पहले क्या होता था कि जो भी एमरजेंसी एक बारी लग गई एक बारी पार्लियामेंट ने एमरजेंसी को अप्रूवल दे दिया तो वो क्या है वो कॉन्टीन्यूटी में रहती थी जब तक उनकी एग्जीक्यूटिव चाहे तब तक उसके लिए उसको बार बार कंटिन्यू करने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी सारी पावर किसके पास थी एग्जीक्यूटिव के, के पास इट मीन कैबिनेट के पास पावर थी कि जब मर्जी तक वो अपनी मर्जी से उस एमरजेंसी की प्रोक्मेशन को क्या कर सकते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं फिर वो बात कर रहे हैं कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई क्या किस टाइम पीरियड के बीच में जो सिक्स मंथ की इमरजेंसी लगी थी उसके बीच में क्या है लोकसभा डिसॉल्व हो गई और उसने उस इमरजेंसी को कॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूएशन का अप्रूवल दिया ही नहीं उससे पहले ही वो क्या है डिसॉल्व हो गई तो उस केस में क्या होगा जब वो नई लोकसभा बना रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसकी पहली सीटिंग से उसके जो थर्टी डेज होंगे विद इन थर्टी डेज उस प्रोक्लमेशन पे उनको डिसीजन देना होगा बट उसके उस टाइम पीरियड में क्या होना चाहिए राज्यसभा में वो पीरियड के तहत प्रोक्लमेशन क्या है कॉन्टीन्यूशन में रहना चाहिए पहले यही सेम बात किस चीज़ में कही गई थी हमारे प्रोक्लमेशन ऑफ एमरजेंसी के लिए उसमें क्या था वन मंथ का टाइम था अब ये बात कही गई है कि हमारा जो सिक्स मंथ का पीरियड है एमरजेंसी का उस केस में फिर ये प्रोविज़न कहता है कि अगर प्रोक्लमेशन ऑफ एमरजेंसी का कोई भी रेजोल्यूशन है जिसको हमें अप्रूव करना है या फिर हम हमें उसको कॉन्टिनस देना है ठीक है तो वो कैसे पास होगा वो पास होगा आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय अ स्पेशल मेजोरिटी इट मींस स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा वो पास होगा किसी भी एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट में अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या चीज़ है पहली चीज़ देखते हैं मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस उस हाउस में जितने टोटल मेंबर्स हैं उनकी क्या है मेजोरिटी इट मीन फिफ्टी परसेंट से ऊपर सेकेंड थिंग क्या कही गई है अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग इट मीन्स कि उस टाइम पे उस हाउस में जितने लोग प्रेजेंट हैं ठीक है उसमें से क्या है टू थर्ड से कम लोगों की मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए मीन्स टू थर्ड से ज़्यादा लोगों की वोटिंग उसकी उस रेजोल्यूशन के फेवर में होनी चाहिए तब हमारी क्या है स्पेशल मेजोरिटी मानी जाएगी और हम अपनी इस स्पेशल मेजोरिटी से क्या कर सकते हैं एमरजेंसी के प्रोक्लामेशन को ठीक है अप्रूव कराने के लिए जो भी रेजोल्यूशन पास करना है ठीक है या फिर उसके कॉन्टिनस को लेके जो भी रेजोल्यूशन पास करना है वो क्या है पास करवा सकते हैं पार्लियामेंट में अब जो ये स्पेशल मेजोरिटी का प्रावधान है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये हुआ था फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के टाइम पे उससे पहले इस एक्ट से पहले जो भी रेजोल्यूशन थी वो क्या है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट में पास किए जाते थे अभी हमने देखा हमारे प्रो, प्रोक्लमेशन के अप्रूवल का प्रोसीजर अब हम बात करेंगे कि इसको रिवोक किया रिवोक कैसे किया जाता है अब इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन को रिवोक करने की पावर किसको दी गई है हमारे प्रेसिडेंट को अब इसके अप्रूवल के लिए जो क्या है हमें बार बार क्या है पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ रही थी बट अगर हमें ये प्रोक्लेमेशन रिवोक करना है तो उस केस में हमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है प्रेजिडेंट के पास पावर है कि वो कोई भी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन ला कर, इस एमरजेंसी की डिक्लेरेशन को क्या कर सकता है ख़त्म कर सकता है अब इस चीज़ के लिए एक सेफ़ गार्ड इंट्रोड्यूस किया गया बाय फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इसके तहत क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट क्या है प्रोग्रामेशन को रिबोक ज़रूर कर सकता है अगर लोकसभा अपनी लोकसभा क्या करे वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास करे पार्लियामेंट में कि हम क्या है इस प्रोग्रामेशन को डिसअप्रूव कर रहे हैं और इसकी कॉन्टीन्यूशन को हम डिसअप्रूव कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट इसको रिवोक कर सकता है इस अमेंडमेंट एक्ट से पहले क्या था कि सारी पावर प्रेसिडेंट के पास थी इस चीज़ को रिवोक करने की लोकसभा की हमें अप्रूवल की जरूरत नहीं थी लोकसभा का इस चीज़ के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था बट इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या है लोकसभा के पास भी पावर आ गई कि वो अपने रेजोल्यूशन से इस चीज़ को डिप्रूव डिसअप्रूव कर सकता है उसके बाद प्रेजिडेंट क्या करेंगे इस चीज को रिवोक कर देंगे अब ये तो बात थी उस सिचुएशन में जब क्या है लोकसभा प्रेजेंट है सेशन में है अगर लोकसभा सेशन में ही नहीं है तो क्या होगा उस केस में फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी एट ये प्रोवाइड कर रहा है ये चीज़ बता रहा है क्या करेंगे हम लोग लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा उसमें से अगर वन टेंथ मेंबर ने रिटर्न में ये नोटिस दे दिया स्पीकर को या फिर प्रेजिडेंट को कि भाई आप एक स्पेशल सिटिंग लाइए हाउस की ठीक है किस चीज़ के लिए फोर्टीन डेज के अंदर अंदर उस रेजोल्यूशन के लिए उस प्रो की हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसमें कहा जाएगा कि हम इस प्रोग्रामेशन को क्या कर रहे हैं डिसअप्रूव कर रहे हैं इट मीन्स चौदह दिनों के अंदर अंदर एक स्पेशल सिटिंग बुलाई जाएगी लोकसभा की ठीक है किस केस में अगर वन टेंथ ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा ये रिटर्न नोटिस में दे स्पीकर को या फिर प्रेसिडेंट को कि हम क्या करना चाह रहे हैं हम इस प्रोक्लमेशन की इस डेक्लरेशन की जो इमरजेंसी के लिए है उस चीज़ को उस उस चीज़ को डिसअप्रूव करना चाहते हैं कि ये कॉन्टीन्यूशन में ना आए फिर हम देखते हैं कि जो हमारे डिसअप्रूवल के लिए जो हम रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं और जो हमारे अप्रूवल के लिए रेजोल्यूशन था कि हम प्रोक्मेशन की कॉन्टीन्यूशन को अप्रूव कराना चाहते हैं ये दोनों कैसे क्या है एक दूसरे से अलग है जो हमारा डिसअप्रूवल वाला रेजोल्यूशन था वो क्या हो रहा था सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास हो रहा था उसके लिए सिर्फ क्या है लोकसभा रेजोल्यूशन लेके आ रही थी बट जो हमारा सेकंड वाला है इट मींस अगर हमें अप्रूवल चाहिए उसके कॉन्टिन्यूशन के लिए तो उस केस में हमें दोनों हाउसेस मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस की क्या है अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है सेकंड डिफरेंस क्या कहा गया है कि अगर हमें डिसअप्रूवल करना है कि हम ये प्रोक्लेमेशन को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे सिंपल मेजॉरिटी से उसको कर सकते हैं बट अगर हमें अप्रूव कराना है किसी भी चीज़ का कॉन्टिन्यूशन प्रोक्लेमेशन के रिगार्डिंग तो हमें क्या है एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी फिर हम बात करेंगे जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है वो किस किस चीजों को कैसे कैसे अफेक्ट करेगी पहले वो क्या करेगी सेंटर स्टेट रिलेशन्स को कैसे इफेक्ट कर रही है हमारे लोकसभा हमारे स्टेट्स असेंबली की लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रही है और हमारे फंडामेंटल राइट्स को वो कैसे अफेक्ट कर रही है फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन्स अब जब भी हमारी एमरजेंसी की सिचुएशन होती है वो ऐसी सिचुएशन फोर्स में आती है जो हमारा नॉर्मल एक सेंटर स्टेट का रिलेशन है उसमें क्या है कुछ चेंजेस आ सकते हैं अब इन चेंजेस को हम थ्री हेड्स में पढ़ेंगे पहला है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव में वो बात कर रहे हैं कि अगर नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है तो जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है वो क्या है एक्सटेंड हो जाती है मीन्स सारी पावर हमारी सेंटर के पास आ जाती है कि वो किसी भी स्टेट को किसी भी मैटर पे क्या है डायरेक्ट कर सकता है उसको ये ऑर्डर्स कर सकता है कि आप ये काम ऐसे कीजिए सारी पावर स्टेट की अब किसके हाथ में आ गई है सेंटर गवर्नमेंट के पास और जबकि हमारी अगर नॉर्मल सिचुएशन हो कोई नॉर्मल टाइम्स हो उसमें क्या होता है सेंटर जो है स्टेट को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन जरूर दे सकता है बट कुछ स्पेसिफाइड मैटर्स पे कुछ जो चुनिंदा मैटर्स हैं उनके ऊपर क्या है सेंटर सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकती है बट क्या है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी सेंटर को सारी पावर मिल जाती है एंटाइटल मिल जाता है कि वो क्या है उसके पास एक, एक एग्जीक्यूटिव पावर आ जाती है कि वो स्टेट को किसी भी मैटर पर कोई भी ऑर्डर या डायरेक्शन दे सकता है हालांकि स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं किया जाता बट नेशनल इमरजेंसी के केस में जो सारी कंप्लीट कंट्रोल है वो किसके पास आ जाता है सेंटर गवर्नमेंट के पास आ जाता है फिर हम देखते हैं हमारे लेजिस्लेटिव फील्ड में कैसे नेशनल इमरजेंसी इफेक्ट करती है अब नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जा सक आ जाती है कि वो कोई भी नियम कानून बना सकती है कोई भी लॉ बना सकती है ऐसे सब्जेक्ट पे जो कि किस में लिखे गए हैं किस में मैंशन है हमारी स्टेट लिस्ट में मैंशन है नॉर्मल टाइम्स में क्या होता था स्टेट लिस्ट में दिए गए जो सब्जेक्ट मैटर है जो मेंशन किए गए हैं सब्जेक्ट उसके ऊपर किसकी पावर होती थी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती थी कोई भी लॉ बनाने के लिए और जो यूनियन लिस्ट में मैटर थे उसके ऊपर पावर होती थी हमारी सेंटर गवर्नमेंट की बट नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये पावर सारी पार्लियामेंट के पास आ जाती है कि वो किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर कोई भी लॉ बना सकती है जो कि स्टेट लिस्ट में मैंशन है फिर वो कह रहा है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है हमारी उसकी पावर क्या है सस्पेंड नहीं की गई है बट नेशनल इमरजेंसी केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे पार्लियामेंट को एक ओवर पावर दी गई है इट मीनस सारा पा जो सारी पावर है सारी ताकत है वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई है पार्लियामेंट के पास चली गई है किसी भी चीज़ पे लॉ बनाने की क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमारा जो संविधान है वो क्या हो जाता है यूनिटरी फॉर्म अपना लेता है और फेडरल स्ट्रक्चर को वो छोड़ देता है यूनिटरी मीन्स सारी पावर अब हमारी सेंटर के पास आ गई है अब जो भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाए हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि स्टेट लिस्ट में, में मेंशन है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी वो क्या हो जाएंगे इन हो जाएंगे इट मीन्स वो खारिज हो जाएंगे कितने टाइम के लिए जब भी हमारी एमरजेंसी खत्म होगी वो सीज होगी उसके सिक्स मंथ के बाद जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उस एमरजेंसी के दौरान वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे इनऑपरेट हो जाएंगे खारिज हो जाएंगे फिर वो बात कर रहा है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है वो ऑपरेशन में है तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास भी है कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है किसके ऊपर स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर जो भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन में है उनके ऊपर अगर क्या है अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ये पावर किसके पास चली गई है हमारे प्रेजिडेंट के पास फिर पार्लियामेंट के पास एक और पावर दी गई है कि पार्लियामेंट चाहे तो वो क्या कर सकता है सेंटर को कोई भी ड्यूटी दे सकता है या कोई भी पावर दे सकता है उसके सेंटर को या फिर उसके ऑफिसर्स को या उससे जुड़ी कोई अथॉरिटी को किस मैटर के ऊपर कोई भी ऐसा मैटर जो कि यूनियन लिस्ट से बाहर है कि आप इस मैटर पे इस मैटर को अपने अंडर ले लीजिए इसके ऊपर कोई नियम कानून बनाइए ठीक है इसकी जुरिस्टिक्शन को एक्सटेंड कीजिए किसकी वजह से अगर हमारा क्या है नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन में है अगर वो कंटिन्यू कर रही है तो उस केस में पार्लियामेंट के पास ये पावर है फिर हम देखेंगे हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसमें वो कह रहा है अगर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है वो मॉडिफाई कर सकता है हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है कि कैसे हम सेंटर और स्टेट के स्टेट में पैसा डिवाइड करेंगे उस चीज़ को क्या है प्रेजिडेंट बदल सकता है नेशनल इमरजेंसी के केस में अब प्रेसिडेंट चाहे तो वो क्या है जो पैसा सेंटर से मिलने वाला है स्टेट को उस चीज़ को कम भी कर सकता है या फिर जो पैसा सेंटर से स्टेट की तरफ जाना है उसको कैंसिल भी कर सकता है ये पावर प्रेजिडेंट के पास दी गई है अब ये जो भी चेंजेस हैं फाइनेंशियल टर्म्स में जो भी मॉडिफिकेशन की जा रही है ये कब तक चलेगी जब तक हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हो जाता जिस साल में हमारी इमरजेंसी लगी है इट मीन्स सपोज एमरजेंसी लगी हमारी जुलाई में जुलाई से दिसंबर तक 2020 में हमारी एमरजेंसी लगी तो ये जो हमारी मॉडिफिकेशंस हैं जो चेंजेस आए गए हैं वो कब तक चलेंगे हमारे नेक्स्ट ईयर मार्च 2021 तक वो चलेंगे और साथ ही साथ जो ये ऑर्डर प्रेसिडेंट ने दिया है कि आप जो ये पैसा है रिड्यूस कर दीजिए या फिर इसके ट्रांसफर कैंसिल कर दीजिए ये प्रे... ये जो ऑर्डर है किसके सामने हमें रखना होगा ये बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना होगा राज्यसभा और लोकसभा के सामने ये प्रेजेंट करना होगा फिर हम देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली अब नॉर्मली देखें तो हमारी लोकसभा का जो टेन्योर होता है उसकी लाइफ है कितने साल की है फाइव इयर्स की बट नेशनल इमरजेंसी केस में क्या है कि हम इस चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं किसके द्वारा बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बनाए किस दौरान हमारी नेशनल इमरजेंसी के दौरान हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं कितने टाइम के लिए वन ईयर के लिए एक साल के लिए हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अब ये जो टाइम पीरियड है मतलब हर साल हम उसको एक साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं उस चीज़ के लिए क्या है जितना मर्ज़ी इनडेफिनेट टाइम ऑफ पीरियड के लिए इट मीन्स हर बारी एक एक साल के लिए हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अब जो ये एक्सटेंशन का पीरियड है वो क्या है अगर हमारी एमरजेंसी ख़त्म हो गई है उसके सिक्स मंथ के बाद ये जो एक्सटेंशन का पीरियड है ये क्या होगा कॉन्टिन्यू नहीं रहेगा ये ख़त्म हो जाएगा इनऑपरेट हो जाएगा ऐसा एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिला था हमारी फिफ्थ लोकसभा के टर्म में जो कि दो बारी एक्सटेंड की गई थी वन वन ईयर के लिए तो इसका जो टेन्योर था कब से कब तक चला 1971 से लेके 1977 तक अब सिमिलरली हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में भी ऐसा हो सकता है ये पावर भी पार्लियामेंट के पास है कि वो क्या कर सकती है उसके नॉर्मल टेन्योर को हर बारी एक एक साल के लिए वो क्या कर सकती है एक्सटेंड कर सकती है नेशनल इमरजेंसी के दौरान और जब हमारी नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाए उसके सिक्स मंथ के बाद तक वो ऑपरेट कर सकती है उसके बाद क्या होगा वो सीज हो जाएगा उससे जुड़े हुए कोई भी चीज अब खारिज कर दी जाएगी फिर हम बात करते हैं अफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स कि कैसे हमारी नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रही है ये किसमें डिस्क्राइब किया गया है हमारे आर्टिकल थ्री और थ्री में आर्टिकल थ्री फिफ्टी एट किस चीज़ से डील कर रहा है कि जो भी फंडामेंटल राइट right किस में दिए गए हैं हमें आर्टिकल नाइनटीन में दिए गए हैं उसके सस्पेंशन से और आर्टिकल थ्री फिफ्टी नाइन किससे डील कर रहा है बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसके सस्पेंशन से सिवाय दो फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के वो है हमारे आर्टिकल ट्वेंटी और आर्टिकल ट्वेंटी वन पहले हम बात करेंगे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल नाइनटीन की आर्टिकल 358 बोलता है जब भी नेशनल इमरजेंसी का कोई केस आएगा तो उस केस में क्या होगा जितने भी हमारे आर्टिकल 19 के अंदर जो छह फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे उस चीज़ के लिए हमें अलग से कोई सेपरेट ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है फिर ये आर्टिकल कहता है कि जो हमारा स्टेट है वो कोई भी ऐसा नियम कानून बना सकता है या फिर कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में जो छः राइट्स दिए गए हैं उनको हम हटा सकते हैं उसको अब्रिज कर सकते हैं और ऐसे किसी भी लॉ के ऊपर या एग्जीक्यूटिव एक्शन के ऊपर हम कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट ये वॉयलेट हो रहा है इट मीन्स नेशनल इमरजेंसी के दौरान अगर हमारा स्टेट कोई भी ऐसा एक्शन ले रहा है जिसकी वजह से हमारे आर्टिकल नाइनटीन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं उसके खिलाफ हम कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते ठीक है अब जब नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हो गई तो उस केस में क्या होगा जो हमारा आर्टिकल नाइनटीन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली दोबारा से फोर्स में आ जाएंगे और कोई भी ऐसा नियम कानून बनाया गया था एमरजेंसी के दौरान जो हमारे फ्रीडम ठीक है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नाइनटीन में जो दिए गए हैं उस चीज़ को ख़त्म कर रहे थे उस चीज़ को वॉयलेट कर रहे थे अब वो सारे नियम कानून क्या हो जाएंगे नलैंड वॉइड हो जाएंगे अब ये लॉ तो वॉइड हो गया बट फिर वो क्या कहता है कि एमरजेंसी चाहे ख़त्म हो गई है और हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट right जो हमें आर्टिकल नाइनटीन में दिए गए थे वो वापस में फोर्स में आ गए हैं बट जो उनके लिए हम रेमेडीज लेते हैं वो हमें अब नहीं मिलेगी उस लॉ के लिए जो कि एमरजेंसी के दौरान बनाया गया है उस चीज के लिए हमें रेमेडी नहीं मिलेगी सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कोई भी लेजिसलेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन जो कि एमरजेंसी के दौरान लिया गया है उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते चाहे क्या है हमारी एमरजेंसी खत्म भी हो गई हो फिर जो हमारा फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी एट है उसने इस आर्टिकल पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है दो तरीकों से पहला क्या है वो कहता है जो भी ये सिक्स फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल नाइनटीन के अंडर उसको हम सस्पेंड कर सकते हैं तभी जब हमारी नेशनल एमरजेंसी किस बेस पे लग रही है या तो वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे लग रही है अगर वो आर्म्ड रिवेलियन के बेसिस पे लग रही है तो हम इस चीज़ को सस्पेंड नहीं कर सकते सेकेंड चीज़ वो क्या कह रहा है कि सिर्फ वही लॉ जो एमरजेंसी से रिलेटेड है ठीक है उनको क्या किया जा सकता है उनको चैलेंज से प्रोटेक्ट किया जा सकता है इट मीन्स जो भी नियम कानून एमरजेंसी के दौरान बनाए गए थे इन फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करने के लिए या उनको अब्रिज करने के लिए सिर्फ वही चैलेंज से बचे रह सकते हैं बाकी अदर जो दूसरे नियम कानून हैं उनको हम चैलेंज कर सकते हैं और जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए गए हैं उस चीज को भी यहाँ पे क्या है प्रोटेक्शन दी गई है फिर हम देखते हैं सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 359 ये पावर देता है हमारे प्रेसिडेंट को कि वो कौन से राइट को सस्पेंड कर सकता है राइट टू मूव एनी कोर्ट ठीक है अगर कोई भी पर्सन अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट के पास जा रहा है किस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे तो प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो ये इस राइट को क्या कर सकता है सस्पेंड कर सकता है इसमें हम बात कर रहे हैं कि हमारा आर्टिकल 359 फंडामेंटल राइट्स को क्या है सस्पेंड नहीं कर रहा उसकी इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर रहा है फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा रहा है कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया जा रहा है जो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में स्पेसिफाई किए जाएंगे सिर्फ वही राइट्स की इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया जाएगा और इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ये भी लिखा जाएगा कि कितने टाइम के लिए ऑपरेट किया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए यह फोर्स में रहेगा तो इट मींस हमारा जो सस्पेंशन है वो या तो पूरी एमरजेंसी के दौरान रहेगा या फिर उस पीरियड के लिए रहेगा जो कि हमारे ऑर्डर में मेंशन है और ये सस्पेंशन का ऑर्डर या तो पूरे इंडिया में एक्सटेंड हो सकता है या फिर इंडिया के किसी पार्ट में भी एक्सटेंड हो सकता है और इसको क्या करना पड़ेगा इसकी अप्रूवल के लिए हमें हर एक हाउस house, दोनों हाउसेस के सामने ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने इसको रखना पड़ेगा ताकि हमें इसके ऊपर क्या मिल सके अप्रूवल मिल सके फिर इसमें भी वही सेम चीज़ आती है जब भी हमारा क्या है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फोर्स में है तो स्टेट के पास ये पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकती है कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकती है जिससे हमारा क्या है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में स्पेसिफाई किए गए हैं उसको हम क्या कर सकते हैं टेकिंग अवे उनको हटा सकते हैं और ऐसे लॉ और ऐसे एग्जीक्यूटिव एक्शन के ऊपर हम कोई भी चैलेंज क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि इस बेसिस पे कि हमारा ये क्या कर रहा है फंडामेंटल राइट right को वॉलेट कर रहा है इस बेसिस पे हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं जब भी ये अब ये ऑर्डर क्या होगा सीज होगा खत्म होगा तो इसके द्वारा बनाया गया कोई भी नियम कानून ठीक है जो कि हमारे स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है वॉयलेट कर रहा है वो नियम कानून भी क्या हो जाएगा नल एंड वॉयड हो जाएगा और इसके अगेंस्ट भी हमें क्या है कोई रेमेडी नहीं मिलेगी जब हमारा क्या है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खत्म हो जाएगा इट मीन्स लेजिसलेटिव और कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया गया है ड्यूरिंग किस किसके दौरान जब हमारा ये प्रेजिडेंशियल ऑर्डर ऑपरेशन में आया है इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते चाहे हमारा जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो अब एक्सपायर हो चुका है तब भी हमें इसके खिलाफ कोई रेमेडी नहीं मिलेगी अब फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने इस आर्टिकल 359 के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है पहली क्या है प्रेजिडेंट किस राइट को सस्पेंड नहीं कर सकता जो कि आर्टिकल ट्वेंटी और आर्टिकल ट्वेंटी वन में, में दिए गए हैं आर्टिकल ट्वेंटी क्या है हमारा राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस और आर्टिकल ट्वेंटी वन क्या है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये दोनों राइट हमारे हमेशा ही इन्फोर्स रहेंगे फोर्स में रहेंगे चाहे एमरजेंसी भी लगी हो दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई गई थी कि सिर्फ उसी लॉ को प्रोटेक्शन मिलेगी जो इमरजेंसी के दौरान बनाए गए थे ठीक है उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते बाकी सारे लॉज को आप चैलेंज कर सकते हो फिर हम आर्टिकल 358 और 359 के डिफरेंस को देखते समराइज फॉर्म में पहला क्या है आर्टिकल 358 क्या कह रहा है कि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 19 में दिए गए हैं वहीं तक सीमित है बट आर्टिकल थ्री फिफ्टी नाइन के अंदर कौन कौन से राइट्स आ गए सारे राइट्स आ गए जो भी हमारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में क्या है मेंशन किए गए हैं उनको क्या है उनकी इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया जा सकता है सेकंड पॉइंट है आर्टिकल 358 क्या कहता है कि वो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर देगा उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है दूसरी तरफ आर्टिकल 359 कहता है कि ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इसकी इन्फोर्समेंट को करें फिर कहता है आर्टिकल 358 कि ये उसी केस में ऑपरेट करेगा जब क्या होगी एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी इट मींस इमरजेंसी किस बेसिस पे लग रही है हमारी वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में अगर आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है तो उस केस में आर्टिकल 358 ऑपरेट नहीं होगा दूसरी तरफ आर्टिकल थ्री किस केस में ऑपरेट हो रहा है इंटरनल एमरजेंसी में भी और एक्सटर्नल इमरजेंसी में भी नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आर्टिकल 358 फिफ्टी हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है जो कि नाइनटीन आर्टिकल में दिए गए हैं उसको पूरी एमरजेंसी के दौरान क्या कर रहा है सस्पेंड कर रहा है बट आर्टिकल थ्री फिफ्टी नाइन में क्या हो रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स तो सस्पेंड हो रहे हैं बट किस पीरियड के लिए जो पीरियड हमारे प्रेजिडेंशल ऑर्डर में लिखा गया है या फिर जो हमारा क्या है एमरजेंसी का पीरियड हो रहा है उन दोनों में से जो भी पीरियड शॉर्टर होगा उस पीरियड के लिए हमारे क्या है फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जाएंगे उनकी इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया जाएगा फिर आर्टिकल 358 क्या कह रहा है कि ये क्या है पूरी कंट्री में एप्लीकेबल हो सकता है और आर्टिकल 359 पूरी कंट्री में भी एप्लीकेबल है और उसके कुछ पार्ट में भी एप्लीकेबल किया जा सकता है फिर आर्टिकल 358 क्या कह रहा है कि वो आर्टिकल 19 को कम्प्लीटली सस्पेंड कर रहा है और आर्टिकल थ्री फिफ्टी नाइन क्या कर रहा है वो कह रहा है कि आर्टिकल ट्वेंटी और आर्टिकल ट्वेंटी वन को छोड़कर वो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है सस्पेंड कर सकता है इन दो आर्टिकल्स के ऊपर थ्री फिफ्टी नाइन आर्टिकल की पावर नहीं है नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आर्टिकल थ्री फिफ्टी एट स्टेट को पावर दे रहा है कि वो कोई भी लॉ बनाए या कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले जो कि आपके फन आर्टिकल नाइनटीन के फंडामेंटल राइट right से क्या है इनकन्सटेंट है उसको वॉयलेट कर सकता है ऐसा आर्टिकल थ्री फिफ्टी एट के पास पावर है दूसरी तरफ आर्टिकल थ्री फिफ्टी नाइन क्या पावर दे रहा है स्टेट को कि वो कोई भी ऐसा नियम कानून बनाए या फिर कोई भी ऐसी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले जो कि, कि किसके इनकन्सटेंट में है सिर्फ उन्हीं फंडामेंटल राइट्स के को वॉयलेट कर सकते हैं जिसकी इन्फोर्समेंट किसने सस्पेंड की है हमारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने जो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जितने भी फंडामेंटल राइट्स मेंशन हैं सिर्फ उनके लिए ही ये क्या है एप्लीकेबल है अब ये तो हमारा डिफरेंस था इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में इन आर्टिकल्स के बीच में कुछ सिमिलैरिटी भी है वो क्या है ये दोनों ही आर्टिकल हमें क्या है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं चैलेंज से ठीक है अगर कोई भी नियम कानून कोई भी लॉ या कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया गया है एमरजेंसी के दौरान ठीक है उस केस में क्या है हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते चाहे हमारी इमरजेंसी ख़त्म भी हो गई हो तो ये चीज़ क्या है हम एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ये हमारी सिमिलैरिटी है इन दोनों आर्टिकल्स की तो ये था हमारा नेशनल इमरजेंसी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्रेसिडेंट रूल की और हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी की Till then stay connected with Study Master. Thank you.